हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिमन डेकोर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। चलिए अब हम अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आज कुछ नई चीज़ बना रही हूँ, तो मैं एक एज ए बॉक्स बना रही हूँ जो हम किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। तो चलिए हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे मैंने ये बड़ा पेपर लिया है, ये A3 साइज़ पेपर है। आप चाहे तो उसके लिए A4 साइज़ पेपर छोटा बनाना चाहते हो छोटा बना लीजिए, उसके लिए आप चाहे A4 साइज़ पेपर ले लीजिए। मैं यहाँ देखिए मैंने इसमें दो कलर के पेपर लिए हैं, ब्लैक और रेड। हमें क्या करना है, ये पेपर को हमें इस टाइप से स्क्वायर शेप में कट करना है। हम इसको फुल ओपन कर ले। देखिए मैंने इसको कुछ इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मेज़र बता देती हूँ मैंने आपको कितना लिया है। ये एक साइड से 10 है, कुछ इस टाइप से। तो इसको भी हम इस टाइप से फोल्ड करते हैं। देख सकते हैं ये हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। अब हमें 4 कॉर्नर्स जो हैं इनमें हार्ट शेप बनानी है। देखिए हमारा हार्ट बनके रेडी है। अब हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको कटिंग कर देनी है हमें। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने ये हार्ट शेप कट कर लिए हैं। अब हम इसको कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब आप देखिए अब हमें क्या करना है, मुझे कुछ इसके अंदर पे जिसमें मैं बिल्कुल सिंपल रेड है तो मैं ब्लैक कलर का पेपर कटिंग करके लगाऊंगी। यहाँ पर ब्लैक कलर के हार्ट्स लगा दूँ। चलिए मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। देखिए हमने ये हार्ट्स काट लिए हैं, तो पहले हम इस हार्ट्स को पेस्ट कर लेते हैं। देख लीजिए हमने पेस्ट कर दिया है। हम यहाँ चारों जगह कुछ पेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये मैंने कुछ 4 साइज़ के पेपर कट करे हैं, ये मैंने ये बीच के लिए कट करे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसमें फ़ोटोज़ लगाएंगे, तो पहले हम इसको डेकोरेट कर। देखिए हमने ये पीस कट करे थे ब्लैक पेपर के, और ये एक फ़ोटो है मेरे पास। तो मैं इस फ़ोटो को इस पे इस तरह से पेस्ट कर देती हूँ पहले फेविकॉल से। और फिर मैं इसे सिल्वर टेप से चारों तरफ से कवर कर रही हूँ। देखिए मैंने ये कवर कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने 4 फोटोज को इस तरह कवर किया है। देखिए अब इसको इसमें अटैच करने के लिए मैं स्टेपलर का यूज कर रही हूँ। स्टेपलर के साथ साथ मैंने रिबन लिया है, मैंने एक ग्रीन कलर का रिबन, जो भी रिबन हो जिस कलर का भी हो आप उस कलर का ले सकते हैं। तो मैं नीचे जो पहले स्टेप से कर दूंगी, तो पहले मैं इसमें अटैच करूंगी। तो मैंने कुछ इस तरह से लिया है और स्टेपलर की हेल्प से मैं इसको अटैच कर दूंगी, कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इसमें कुछ इस तरह से इसको अटैच कर दिया है। अब जो सबसे नीचे वाला है उसको मैं अपने बॉक्स के पेपर के साथ में अटैच कर दूंगी। फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लेती हूँ।
आप देख सकते हैं मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। पहले मैंने ये इसको इस तरह से रखा, इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से रखा। इसके ऊपर ये पीछे ब्लैक शो हो रहा है, चाहे तो आप 5 फोटोज़ रख लीजिए। मैं इसमें 4 फोटोज़ लगा रही हूँ। मैंने ये हार्ट बना लिया है जिसको मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी। कुछ मेरे पास ये चॉकलेट्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये चॉकलेट्स हम कुछ इसको इस तरह से लगा देंगे। पेस्टिंग के लिए मैं डबल साइड टेप यूज़ कर रही हूँ। ये कितना अंदर से सुंदर लग रहा है। अब हम इसका कवर बनाते हैं। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है, मैं अब इसके ऊपर का कवर बनाती हूँ। कवर बनाने के लिए मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है और मैंने स्केल लिया है, पेन लिया है। यूज़ कर लीजिए। वो मैंने ये इसलिए स्टेपलर कर दिया है क्योंकि बाहर से मैं इसमें एक पट्टी लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कवर बना लिया है और अब इसके ऊपर से भी मैं डेकोरेशन कर देती हूँ। और मैंने ये सिल्वर फ्लावर बनाए हुए हैं ग्लिटर पेपर से, तो मैं इसको इस पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए हमने ये बना लिया है। अब हम अपने बॉक्स में इसको लगाते हैं। देखिए हमने इसको कवर कर लिया है और मैंने एक बहुत ही हार्ट शेप में कट किया है एक स्ट्रिप टाइप की, तो मैं इसको बाहर से भी डेकोरेट कर रही हूँ। मैं बाहर से इसको, आप चाहे तो चारों तरफ डेकोरेट कर दीजिए, लेकिन मैं बाहर से इसको चारों तरफ से डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ्रंट से डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इसे खोलते हैं, देखिए आप, उसकी फ़ोटो भी आपको शो कर देती हूँ मैं। देख सकते हैं आप। और अगर ये आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।